नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। जेएनयू में बहुत हंगामा बरपा है, छात्र परेशान है। पिछले कई हफ्ते से वहाँ आंदोलन चल रहा है, लेकिन जेएनयू के वीसी छात्रों की सुन के नहीं दे रहे हैं। बार बार ये सर्कुलर तो निकाला जा रहा है कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। कल जो कुछ भी वहाँ हुआ, जिस तरीके से मानव संसाधन विकास मंत्री का घेराव हुआ, उन्होंने ज्ञापन ले लिया, बातचीत का समस्या का समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन उससे छात्र जो है संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जो मानव संसाधन मंत्री हो, कितना उनके लिए पेन लेंगे, और पेन लेंगे भी तो डिसीजन तो उनको लेना नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंडिपेंडेंट है, वो तो वहाँ के वीसी को डिसीजन लेना है, और वीसी है कि सुनने को तैयार नहीं। जैसे वो जेएनयू प्रशासन है, वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि बहुत दिनों से इसकी जैसे चाहत थी और पूरा नहीं कर पा रहे थे, और अब वो चाहत पूरी हो गई है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जेएनयू में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनमें से 40% के सामने जो है ये दिक्कत पैदा हो गई है कि अब वो आगे कैसे सर्वाइव करेंगे, मतलब पढ़ पाएंगे या छोड़ना पड़ेगा, कैंपस छोड़ना पड़ेगा। कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ दिख रही है कि 40% स्टूडेंट आउट ऑफ कैंपस हो जाएंगे। और जेएनयू का जब गठन हुआ था, इस मकसद से नहीं हुआ था, या किसी भी उच्च शैक्षणिक संस्थान का गठन इस मकसद से थोड़े होता है कि छात्रों के पैसे से जो है वो पूरा संचालित होगा। ये तो अब कंसेप्ट आया कि हायर एजुकेशन में है जो है, ये तो एकदम प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट है कि छात्रों से पैसा लेकर के उसको चलाएंगे। जेएनयू का गठन तो खासतौर से ह्यूमनिटीज और लैंग्वेज में जो है उसके लिए हुआ था कि हायर एजुकेशन देना है और यहाँ पर शोध को बढ़ावा देना है और वहां से स्कॉलर पैदा करना है। लेकिन अब जेएनयू दूसरे दिशा में जा रहा है, तो आखिरकार हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ए टू जेड क्या प्रॉब्लम है और क्यों छात्र इतना आंदोलित और उद्वेलित है। तो देखिए, है क्या कि अभी तक एक छात्र पे जो मेस का चार्ज आता है वो लगभग 2 से 2500 के आसपास, 2200-2300 कुछ इस तरीके से आता है। मेस चार्ज तो अलग है, वो एक्चुअल है, जितना आप खाएंगे उसका उसको चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन बाकी सब चार्जों में 200, 300, 400, 500, 600% तक की बढ़ोतरी की गई है। अभी तक जैसे मेस की सिक्योरिटी थी वो 5500 थी, उसको 12000 कर दिया गया है, ये रिफंडेबल है। इसके बाद एक कमरे का जो किराया था, यानी कि कमरे में जब सिंगल बेड डला होता था तो वो 20 रुपये था, उसको बढ़ा करके 600 रुपये कर दिया गया। और जो डबल कमरे का, डबल सीट वाला जो कमरा था, उसका 10 रुपये चार्ज था, उसको बढ़ा के 300 रुपये कर दिया गया। अब निकालते रहिए कितना परसेंट ये बढ़ा है। इसके अलावा अभी तक यूटिलिटी जो चार्ज है, शुल्क है, वो नहीं लगता था, यानी कि बिजली है, पानी है, वो अब क्या कर दिया है, एक्चुअल कर दिया है, यानी कि बिजली पानी वगैरह वगैरह इस्तेमाल के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक किसी तरह से जो सर्विस चार्ज है, जैसे कि मान लीजिए कि मेंटेनेंस है, सफाई है वगैरह वगैरह, तो वो अभी तक नहीं लगता था, अब उसको 1700 यानी कि 1700 पर मंथ। और बाकी इस्टेब्लिशमेंट शुल्क है, और क्रॉकरी बर्तन वगैरह है, समाचार पत्र वगैरह वगैरह है, इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। तो एक तो ये जो चार्जेज हैं, जैसे कि यूटिलिटी और सर्विस चार्ज और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और ख़ास तौर से एकल कमरे का और डबल कमरे का किराया, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब इसका क्या नतीजा हुआ है कि इसके बढ़ने से पर स्टूडेंट, मान लीजिए कि आप 2500 रुपये के हिसाब से निकालते हैं, तो 30000 के आसपास जो है मेस का खर्च आता है, और लगभग जो है इतना ही अब आएगा इनके हॉस्टल का चार्ज, तो बल्कि इससे ज़्यादा ही बैठ रहा है कुछ मामलों में, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स की कैटेगरी है, तो वो जाके पहुंच जा रहा है पर स्टूडेंट 70-80 हज़ार के आसपास। और यदि अन्य यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से इसकी तुलना हम करते हैं, तो एम्स में ये जो हॉस्टल का और यूटिलिटी चार्ज, सर्विस चार्ज वगैरह वगैरह मिला करके आप देखें, तो एम्स में जो है 29340 है ईयरली बैठ रहा है। DU में ये अलग अलग, कहीं पे हॉस्टल है कहीं पे नहीं है, तो DU में 18680 से लेकर के 25000 के बीच में ये वैरी कर रहा है। IIT में ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 35000 के आसपास है।
और ठीक इसी तरह से जामिया में जो है 29,750 लगभग 30,000 के आसपास है। तो एक तरह से जेएनयू ये तर्क दे सकता है कि जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं के बराबर तो हमने किया है, उससे ज़्यादा नहीं किया है, ये आप जेएनयू तर्क दे सकता है। लेकिन जेएनयू के तर्क में एक बात बताइए कि अभी तक ये 10 रुपये 20 रुपये कमरे के बेड का चार्ज हो रहा था, हॉस्टल का चार्ज कहिए उसे, और उसको बढ़ा करके 300 और 600 रुपये करेंगे तो परसेंटेज निकालिए कितना बैठ रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जेएनयू में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उसमें ग्रामीण परिवेश से जो आते हैं, बैकवर्ड इलाके से जो आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन रखा गया है, और वो जो आते हैं तो उनके जो जो इनकम होती है पेरेंट्स की वो बहुत कम होती है। जैसे कि 40% बच्चों के जो इनकम है, 15-16 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि 40% बच्चों के पेरेंट्स की इनकम 12,000 रुपये से कम है पर मंथ, और तो वो तो फिर बियर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो अब खर्च जा करके बैठने वाला है 7,500 रुपये पर मंथ, तो फिर कैसे बियर करेंगे। तो ये दिक्कत है कि जो मकसद था जेएनयू का कि हम यहाँ पे स्कॉलर पैदा करेंगे, रिसर्च को बढ़ावा देंगे और ग्रामीण परिवेश के बच्चों को ले आएंगे, उनके लिए बाकायदे रिलैक्सेशन रखा गया, यानी कि अर्बन और रूरल और बैकवर्ड का को एडजस्ट करने के लिए अर्बन का मार्क्स अलग होता है और रूरल और बैकवर्ड इलाके के बच्चों का अलग होता है, उसमें उनको इसी हिसाब से रिलैक्सेशन दिया गया है कि गाँव के भी बच्चे जेएनयू पहुँच सके, और इसीलिए जेएनयू का अपना दिल्ली में होते हुए भी एक अलग स्थान है। इसको चूंकि वहाँ लेफ्टिस्ट विचारधारा हावी है इसलिए लालगढ़ भी कहा जाता है, और इसी नाते विदेशों में इसकी चर्चा भी होती है कि आखिरकार वो कौन सा कैंपस है जो कि पूरी दिल्ली में या पूरे देश में बीजेपी का भगवा का झंडा फहराता है और तूती बोलती है, प्रभाव है, और उसी दिल्ली में एक ऐसा लालगढ़ है जहाँ पे कि उसका विरोध होता है, और वहाँ पे मतलब वैचारिक विरोध है, विरोध से और दुश्मनी से मतलब कोई वैसा नहीं, वैचारिक विरोध है, और लड़के संघर्ष करते हैं। जेएनयू पहले भी संघर्ष का साक्षी रहा है, बहुत सारे संघर्ष हुए और संघर्ष के लिए ही जेएनयू जाना जाता है, अपने जो स्टडी और रिसर्च होता है उसी के लिए जाना जाता है, इसकी बहुत मान्यता है। बट अब जिस तरीके से जेएनयू प्रशासन बिहेव कर रहा है उसका साफ सा मकसद लग रहा है कि किसी तरह से ये जो लालगढ़ का जो वर्चस्व है ना, लाल झंडे का, और वो लालगढ़ जो बना हुआ है उस वर्चस्व को तोड़ना ही, यहीं पे आकर के नियत पे सवाल उठ रहा है कि ये इसके पीछे एक मकसद है और उस मकसद से इतनी एकदम से फी हाइक की जा रही है। फी हाइक हो सकती है उसमें, जैसे मान लीजिए मेस का ही है तो मेस का चार्ज तो बढ़ता ही रहता है, लेकिन एकदम से इतना यदि बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट ना मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे ना दे पाएंगे, तो क्या आप आधे बच्चों को कैंपस से बाहर कर देना चाहते हैं, जिनके फादर मदर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते उनको आप बाहर करना चाहते हैं, उनको नहीं पढ़ने देना चाहते, चाहे वो किसी भी विचारधारा के समर्थक हो, ये इसको लेकर के ज़्यादा चिंता हो रही है। अब देखते हैं कि जो एचआरडी मिनिस्टर से जो बातचीत हुई है उसका क्या कोई नतीजा निकलता है। एक और तर्क दिया जा रहा है कि वहाँ पे एमसीएम जो कोटा है उसके हिसाब से बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, और वो स्कॉलरशिप जो मिलती है वो इनकम के आधार पर मिलती है, यानी कि जिनके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपये साल से ज़्यादा नहीं है तो ये वाली स्कॉलरशिप मिलती है। तो बहुत सारे बच्चों का ऐसे एडजस्टमेंट हो जाता था कि वो स्कॉलरशिप की रकम थोड़ा बहुत घर के लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो उनका खर्च भर चल जाता था, लेकिन जब वो 7-8 हज़ार रुपये पहुँच जाएगा तो फिर तो ना तो सिर्फ स्कॉलरशिप से बात बन पाएगी और घर के लोग तो उतना अफोर्ड करने की स्थिति में है नहीं। इसलिए जो है जेएनयू के बच्चे परेशान हैं, आंदोलित हैं। अब देखते है कि मंत्री के आश्वासन के बाद जेएनयू प्रशासन के कानों पे जू रेंगता है या नहीं रेंगता है। जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।